प्रोबेशन प्रोबेशन का मीनिंग वैन अ पर्सन वू हैज़ कमिटेड अ क्राइम इज़ अलाउड टू स्टे इन इज कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जेल एज लॉन्ग एज दे फॉलो सर्टेन रूल्स सेट द कोर्ट एंड आर सुपरवाइज प्रोबेशन ऑफिसर कोई व्यक्ति है उस पर केस चला जब उसको सज़ा सुनाने की बारी आई तो कोर्ट ने देखा काफ़ी माइनर ऑफेंस है नॉन वायलेंट ऑफेंस है या फिर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है पहली बार उसने अपराध किया है तो बजाय उसको जेल भेजने के कोर्ट उसे प्रोविशन पे भेज सकती है उसे वापस उस कम्युनिटी में भेज सकती है उसे अलाउ कर सकती है कि वह अपनी कम्युनिटी में रहे अपने समाज में रहे लेकिन कुछ रूल्स और कंडीशंस लगा देती है कोर्ट और उसे सुपरवाइज़ करने के लिए एक प्रोविशन ऑफिसर होता है तो ये हो गया आपका प्रोविशन किस किस प्रकार के ऑफेंडर्स या फिर किस प्रकार के क्राइम्स क्राइम्स में प्रोविशन पे भेजती है कोर्ट जैसे कोई नॉन वायलेंट क्राइम हो गया ऑफेंस हो गया कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है पहली बार ही कोई अपराध किया है कोई लो रिस्क ऑफेंडर है कि कम रिस्क है कि वह समाज में वापस जाके दोबारा क्राइम करेगा जुवेनाइल ऑफेंडर्स हो गए ऑफेंडर्स विद मिटिकेटिंग सर सरकमस्टेंसेज हो गए एल्डरली और ऑफेंडर्स हो गए इन केसेस में कोर्ट ऑफेंडर को कम्युनिटी में वापस भेज सकती है प्रोविजन पे भेज सकती है मेरिट्स क्या क्या हैं और डी मेरिट्स पहले मेरिट्स देखते हैं प्रोबेशन के एज समाज में वापस भेजने के क्या मेरिट्स हैं पहला है रिहेबलीटेशन इट गिव्स ऑफेंडर्स अ चांस टू चेंज देयर बिहेवियर एंड री इंटीग्रेट इन टू सोसाइटी थ्रू एक्सेस टू काउंसलिंग एजुकेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज जब प्रोबेशन में भेजते हैं तो ऑफेंडर्स को एक चांस मिलता है कि वे अपना बिहेवियर चेंज कर लें और समाज में वापस शामिल हो सकें कैसे काउंसलिंग के थ्रू उन्हें एजुकेशन मिलती है सपोर्ट सर्विस मिलती है दूसरा मेरिट है रिड्यूस प्रिजन ओवरक्राउडिंग जेल जो है उसमें भीड़ भी कम हो जाती है इट हेल्प्स रिड्यूसिंग रिड्यूस ओवरक्राउडिंग इम्रिजेंस बाय अलाउंग नॉन वायलेंट ऑफेंडर्स टू रिमेन इन द कम्युनिटी तीसरा कम्युनिटी का सपोर्ट भी मिलता है इट इनेबल्स ऑफेंडर्स टू मेंटेन टाइज विद देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज विच कैन प्रोवाइड वैल्यू सपोर्ट ड्यूरिंग देयर रीहेबिलिटेशन चौथा कॉस्ट इफेक्टिव काफी कॉस्ट इफेक्टिव है सस्ता पड़ता है इट कॉस्ट लेस देन इम्प्रिजनमेंट जेल में डालेंगे ज़्यादा महंगा पड़ेगा बहुत खर्चा उठाना पड़ेगा बजाय इसके कि उसे प्रोवेशन में भेज दिया जाए कम्युनिटी में एज इट रिक्वायर्स फ्यूर फ्यूअर रिसोर्स फॉर हाउसिंग एंड सुपरवाइजिंग ऑफेंडर्स इन द कम्युनिटी नेक्स्ट है इसका मेरिट इंडिविजुलाइज्ड सुपरविज़न प्रोविशन ऑफिसर्स कैन टेलर सुपरविजन प्लान्स टू एड्रेस द स्पेसिफिक नीड्स एंड रिस्क ऑफ ईच ऑफेंडर प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड सपोर्ट एंड मोनिटरिंग प्रोविशन ऑफिसर जो है हर ऑफेंडर के लिए एक स्पेसिफिक प्लान बना सकता है उसी कस्टम प्लान बना सकता है उसकी स्पेसिफिक नीड्स और रिस्क के अनुसार डीमेरिट्स क्या है प्रोविशन के रिस्क टू पब्लिक सेफ्टी पब्लिक के लिए रिस्क है पता लगा आपने ऑफेंडर जो है क्रिमिनल जो है वापस सोसाइटी में भेजा उसने दोबारा अपराध कर दिया प्रोबेशनर्स में पोज अ रिस्क टू पब्लिक सेफ्टी इफ दे री ऑफेंड और वायलेट द कंडीशन ऑफ देयर प्रोबेशन परसीव्ड एज लीनियन यह बहुत ही हल्का माना जाता है इससे लोगों के अंदर जो है पनिशमेंट का डर खत्म हो जाएगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो एक डर होता है कानून का डर जो है वो खत्म हो जाएगा लोग सोचेंगे कि अरे प्रोबेशन पे भेज देगा कोर्ट सम मे व्यू प्रोबेशन एज अ लीनियन पनिशमेंट पोटेंशियली अंडरमाइनिंग द डेटरेंट इफेक्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नेक्स्ट डी मेरिट है नॉन कंप्लायंस एंड रिवोकेशन प्रोबिशनर में स्ट्रगल टू कम्प्लाई विद द कंडीशन ऑफ़ देयर प्रोबेशन लीडिंग टू वायलेशन एंड पोटेंशियल रिवोकेशन रिजल्टिंग इन इनकारेशन शनर जो हैं वह स्ट्रगल कर सकते हैं जो कंडीशन लगाई गई हैं प्रोविजन की उन्हें कंप्लाई करने में उनका पालन करने में जब स्ट्रगल करेंगे तो इससे वायलेशन होंगी उन कंडीशन का उल्लंघन होगा और इसका रिजल्ट यह होगा कि उन्हें वापस जेल में भेज दिया जाएगा इनक्वालिटी इन सुपरविजन सुपरविजन में इनक्वालिटी हो जाती है जो प्रोविजन ऑफिसर है पता लगे बहुत सारे केसेज हैं उसके पास द इफेक्टिवनेस एंड फेयरनेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सुपरविजन में वेरी डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स सच एज़ क्वालिटी ऑफ प्रोविशन सर्विसज़ केस लोड्स ऑफ प्रोवेशन ऑफिसर्स बायसिस इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नेक्स्ट डिमेरिट है स्टिग्माटाइजेशन स्टिग्मा stigma कहते हैं कलंक को अब कोई कैदी है या फिर कोई क्रिमिनल है वो आप इस समाज में जाएगा पता लगा समाज वाले उसको गाली देंगे ये तो गुंडा है मा है ये वो प्रोबेशनर्स मे फेस मे स्टिल फेस स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू देयर क्रिमिनल रिकॉर्ड अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड के कारण वह स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन फेस कर सकते हैं इंटरिंग देयर री इंटीग्रेशन एंड रिहेबिलटेशन एफर्ट इससे उनका समाज में वापस री इंटीग्रेशन जो है उसमें बाधा आएगी और रिहेबलीटेशन उनके सुधार के एफर्ट में भी बाधा आएगी यह हो गया आपका प्रोबेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से प्रोबेशन का मीनिंग क्या है जब भी कोई व्यक्ति कोई क्राइम कमिट करता है तो कोर्ट बजाय उसको जेल में भेजने के उससे प्रोविशन में भेज देती है कि आप अपनी कम्युनिटी में रहें और कुछ कंडीशन लगा देती है जिसका उसे पालन करना पड़ता है और उसको सुपरवाइज़ करने के लिए एक प्रोवेशन ऑफिसर होता है किन किन टाइप्स के ऑफेंडर्स और किन किन टाइप्स के क्राइम्स में प्रोवेशन भी भेजा जाता है नॉन वायलेंट ऑफेंस फर्स्ट टाइम ऑफेंडर लो रिस्क ऑफेंडर्स जुवेनाइल ऑफेंडर्स ऑफेंडर्स विद मिटिगेटिंग सरकमस्टेंसिस एल्डरली और इल ऑफेंडर्स बीमार जो कैदी होते हैं उनको भी भेज देती है मेरिट्स का क्या है प्रोबेशन के रिहेबलीटेशन में हेल्प मिलती है जो कैदी है सॉरी जो ऑफेंडर है वह अपना बिहेवियर चेंज करने का उसको चांस मिलता है सोसाइटी में रि इंटिग्रेट होने का चांस मिलता है प्रिजन में भीड़ कम हो जाती है वह अपने फैमिली और कम्युनिटी से टाइज जो है वह बनाए रख सकता है जिससे कम्युनिटी सपोर्ट मिला रहेगा उसका रिहेबलीटेशन उसका सुधार हो सकता है कॉस्ट इफ़ेक्टिव है जेल में रखोगे ज़्यादा खर्चा होगा इंडिविजुअलाइज सुपरविजन है हर ऑफेंडर के अनुसार प्रोबेशन ऑफिसर एक टेलर प्रोग्राम बना सकता है डीमेरिट्स का क्या, क्या है प्रोवेशन के पता लगा वो अफेंडर वापस सोसाइटी में भेजा उसने दोबारा कोई क्राइम कर दिया तो इससे पब्लिक सेफ्टी को रिस्क है ये हल्का माना जाता है परसीव्ड एज लीनियंट नॉन कम्प्लाइंस अगर स्ट्रगल करता है प्रोवेशन ऑफिसर जो कंडीशन हैं उनका पालन करने में उसे वापस जेल में भेज दिया जाएगा उसकी प्रोविशन रिवोक कर दी जाएगी सुपरविजन में इनक्वालिटी हो सकती है प्रोवेशन ऑफिसर के ऊपर केस लोड काफ़ी ज़्यादा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बाइसिस हैं भेदभाव है पक्षपात है इस्टमाटाइजेशन अब वो वापस समाज में गया है लोग कहीं कहने लगे अरे ये तो गुंडा मावाली है ये वो तो वहाँ पर इस्टमाइटेशन और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव फेस कर सकता है जो ऑफेंडर है इससे उसके समाज में वापस री इंटीग्रेशन और रिहेबलीटेशन एफर्ट्स में इंडरेस्ट पैदा होगी बाधा उत्पन्न होगी नोट्स जो हैं आपको पता ही है वेबसाइट जो है देसी एल एल बी डॉट कॉम उस पर मिल जाएंगे